फाइनेंस वालों को अंदाजा होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। आगे चलते हैं। देर आर थ्री वेज टू अर्न मनी फ्रॉम फॉरेक्स। तीन तरीके से हम लोग पैसे कमा सकते हैं ट्रेडिंग से। नंबर एक, पर्सनल डिपॉजिट्स, जिसको हम ब्रोकर डिपॉजिट के नाम से यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद लोकल इन्वेस्टर, और ये भी ब्रोकर डिपॉजिट में आ रहा है। उसके बाद आ गया फंडेड अकाउंट। हमारा मेन जो फोकस है आज का, वो फंडेड अकाउंट है। लेकिन इसके लिए, इससे पहले आप बाकी भी समझ लें। पर्सनल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? फॉरेक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लाजमी तौर पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बेशक किसी की हो या आपकी अपनी हो। अब इस पर्सनल डिपॉजिट का मतलब है कि मैंने $1,000 अपना मार्केट में इन्वेस्ट किया और उससे ट्रेड की, कम रेट पे चीज खरीदी और ज्यादा रेट पे बेच दी। ये तो पर्सनल डिपॉजिट, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद आ जाता है लोकल इन्वेस्टर। लोकल इन्वेस्टर से मुराद है कि किसी के अंदर स्किल्स हैं लेकिन वो, उसके पास पैसा नहीं है। तो मुशारका या मुजारबा, ये टर्म लगा के, तो एक बंदा इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरा उसके अपोजिट अपनी स्किल्स यूज करता है। तो दोनों मिलके काम करते हैं, एक की इन्वेस्टमेंट होती है, एक की स्किल्स होती हैं। इससे वो उनका जो प्रॉफिट है वो अपना डिसाइडेड हिसाब से शेयर कर लेते हैं। उसके बाद आ जाती है प्रोप्राइटरी फर्म्स, फंडेड अकाउंट्स। फंडेड अकाउंट्स हमारा मेन आज